जय हिंद दोस्तों आप सभी का एफ डी क्लासेस में स्वागत है आज हम चार मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक like और शेयर जरूर करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ताओं और योजनाओं की निगरानी हेतु किस एप्स के द्वारा किया जाएगा इनका सही आंसर होगा पोषण ट्रेकर एप्स द्वारा किया जाएगा याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ताओं और योजनाओं की पोषण ट्रेकर एप्स द्वारा निगरानी की जाएगी नवजात बच्चों गर्भवती महिलाओं के पोषण का लेखा जोखा अब इस ऐप्स पर किया जाएगा जियो ट्रैकिंग होने के कारण यह ऐप आंगनबाड़ी केंद्र के समीप जाने पर ही खुलेगा केंद्रों में पाँच वर्ष तक के पचास हज़ार से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में अब रजिस्टर से नहीं बल्कि एंड्रॉयड फ़ोन से किया जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के महिला श्वा सहायता समूहों को अब साल में कितने लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा तो इनका सही आंसर होगा अब इन्हें छः लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखेंगे महिला श्वा सहायता समूहों को अब साल में छः लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा पहले यह चार लाख रुपए तक का था इसे भी याद रखेंगे पहले यह चार लाख रुपए तक दिया जाता था चलिए ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में छः लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा पहले यह लिमिट चार लाख रुपए की थी सरकार ने सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है याद रखेंगे सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी गई है सीएम भूपेश बघेल ने साइंस कॉलेज मैदान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मितानिनों के एक आयोजन में यह घोषणाएँ की हैं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पाँच हज़ार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा तथा तो हर साल चौदह नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सम्मानित भी किया जाएगा याद रखेंगे चौदह नवंबर को हर साल इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आभार सम्मेलन में सी.एम. भूपेश बघेल ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तथा मितानी ने वास्तव में मानवता की सेवा करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष दो हज़ार की इंडियन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर है याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी यह रिपोर्ट इंडियन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान पर है चलिए ध्यान देंगे नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस की इंडियन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान पर है इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे राज्य शासन द्वारा मातृत्व तो एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच एक सौ उनसठ मातृत्व मृत्यु दर वाले छत्तीसगढ़ का मातृत्व मृत्यु दर अब घटकर एक पर पहुंच गई है इसे भी याद रखना इम्पोर्टेंट है एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों किशोरों गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आई आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है याद रखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ में महिलाओं की क्षमता को एक नई ऊंचाई देने के लिए महिला उद्यमिता नीति 2023 28 लागू की गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जनजाति युवा गृह घोटुल का नाम परिवर्तित कर अब यह किस नाम से जाना जाएगा तो इनका सही आंसर होगा यह अब गोटुल के नाम से जाना जाएगा याद रखेंगे पहले इसे घोटुल के नाम से जाना जाता था अब इसे गोटुल के नाम से जाना जाएगा चलिए ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के सांस्कृतिक केंद्र गृह का नामकरण अब घोटुल के स्थान पर गोटुल किया गया है गोटुल युवा गृह मुड़िया मारिया गोर जनजाति का युवा गृह याद रखेंगे इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं परिरक्षण एवं यो विकास योजना 2006 में गोटूर के स्थान पर घोटुर शब्द सभी स्थानों में प्रतिस्थापित किया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो इनका सही आंसर होगा पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है इस दिन का प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर जलवायु परिवर्तन और अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं और हमारे ग्रह के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं दो हज़ार तेईस की थीम है इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट है याद रखेंगे दो हज़ार तेईस की थीम इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट है गेलार्ड गिल्ड ने पारिस्थिति को बढ़ावा देने के लिए 1970 के दशक में पृथ्वी दिवस की स्थापना की थी याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1970 से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है तो इनका सही आंसर होगा ओलीवर डाउनटेन को ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है यह है ओलीवर डाउनटेन चलिए ध्यान देंगे ओलिवर व डाउनटेन को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नामित किया गया है डाउनटेन नई नियुक्ति से पहले लैंकेस्टर के डची के चांसलर और कैबिनेट कार्यालय सचिव के रूप में ऋषि शुनक की सरकार में कार्य कर रहे थे वर्ष दो हज़ार पंद्रह से हट इशमेरे के लिए संसद सदस्य भी रहे हैं वह अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ यह पद पर बने रहेंगे चलिए अगला प्रश्न देखिए विश्व बैंक रसत सूचकांक पर भारत किसने स्थान पर है तो सही आंसर होगा विश्व बैंक रसत सूचकांक में भारत अभी वर्तमान में अड़तीसवें स्थान पर है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दो में अपनी रैंकिंग में छः स्थान सुधार किया है एक देशों के सूचकांक में भारत की रैंकिंग दो में चौवालीसवें स्थान पर था जो बढ़कर अड़तीसवें स्थान पर आ गया है दो हजार तेईस में अड़तीसवें स्थान पर है दो हज़ार तेईस में अंतर्राष्ट्रीय शिपमैन के लिए भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जो दो हज़ार अठारह में चौवालीसवें स्थान से बढ़कर बाईसवें स्थान पर दो हजार तेईस में आ गया है रसद क्षमता और समानता में भी देश चार स्थान ऊपर उठकर अड़तालीसवें स्थान पर आ गया है याद रखेंगे इन तीनों रैंकिंग को इसमें और इसमें और इसमें इन तीनों रैंकिंग को आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है तो इनका सही आंसर होगा इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला प्रथम स्थान पर है याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब आपके लिए आज का प्रश्न है छत्तीसगढ़ में ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में कितने स्थान पर हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय छत्तीसगढ़